सैमसंग में एक नेटिव ऐप आता है वो क्विक शेयर, जो कि फाइल शेयरिंग ऐप है, बट आपको गूगल का भी एक शेयर ऐप मिलता है जिसको बोलते हैं नियर बाय शेयर। बट बहुत जल्दी ये दोनों ऐप एक होने वाले हैं, मतलब जितने भी नॉन सैमसंग फोन है वहां पे भी आपको क्विक शेयर मिलने वाला है। ये अभी रिसेंटली सैमसंग और गूगल का कोलैबोरेशन हुआ है, तो उसी के चलते मैंने यहाँ पे एक टेस्ट करने की कोशिश की है, वो है एयरड्रॉप वर्सेस क्विक शेयर। तो देखते हैं एयरड्रॉप या क्विक शेयर कौन ज्यादा जल्दी फाइल ट्रांसफर करता है। तो एयरड्रॉप टेस्टिंग के लिए मैंने आईफोन और आईपैड लिया है, आईफोन से आईपैड में ट्रांसफर करूंगा, और क्विक शेयर के लिए मैं अपने सैमसंग फोन से सैमसंग टैब पे ट्रांसफर करूंगा। फाइल साइज है 12 GB, टू बी एग्जैक्ट 12.23 GB है। तो ये फर्स्ट टेस्ट करके देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ पे मैंने ये शेयर किया है, शुरू हो चुका है। एयरड्रॉप ने लिया है 3 मिनट 9 सेकेंड और क्विक शेयर ने लिया है 3 मिनट 47 सेकेंड। कुछ सेकंड्स का फर्क है बट काफी फर्क है, तो यहाँ पे एयरड्रॉप जीत रहा है। एक बार फिर से ट्राई करके देखते हैं, सेकंड ट्राई करके देखते हैं, सेम फाइल को मैं फिर से ट्रांसफर कर रहा हूँ, ये स्टार्ट हो चुका है। एयरड्रॉप ने अगेन ऑलमोस्ट सेम लिया है 3 मिनट 8 9 सेकेंड्स और यहाँ पे क्विक शेयर थोड़ा फास्ट हुआ है 3 मिनट 23 सेकेंड्स, बट फिर भी अभी भी एयरड्रॉप ही आगे है। एक लास्ट अटेम्प्ट ट्राई करके देखते हैं, फिर से शेयर कर रहा हूं मैं सेम फाइल को। ओ, एयरड्रॉप ने 3 मिनट 70 सेकेंड लिया, वैसे दोनों सेम वाईफाई पे काम कर रहे हैं, और क्विक शेयर ने सेम वही 3 मिनट 23 सेकेंड लिया, बट अभी भी एयरड्रॉप कुछ सेकंड से आगे है। तो मैंने 3 बार ट्राई करके देखा है, तीनों ट्रायल में मुझे एयरड्रॉप कुछ सेकंड से आगे दिखा है, क्विक शेयर ज्यादा पीछे नहीं है। मैंने एक और छोटा फाइल ट्रांसफर करने का कोशिश किया यहाँ पे, जो कि 360 MB का है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट हो गया। ओ, दोनों ने ऑलमोस्ट सेम टाइम, मतलब 10 सेकंड में दोनों ने ट्रांसफर कर दिया है। तो देख सकते हो कि फिलहाल तो एयरड्रॉप फिर भी जीत रहा है, लेकिन क्विक शेयर भी ज्यादा पीछे नहीं है, ज्यादा सेकंड से पीछे नहीं है। हो सकता है कि आने वाले समय में और फास्ट हो जाए। तो आई होप कि जब ये क्विक शेयर बाकी नॉन सैमसंग फोन में, बाकी एंड्रॉइड फोन्स में आए, तो आपको भी सेम रिजल्ट मिले। तो अगर आपके फोन में अपडेट आ चुका है, क्विक शेयर आ चुका है, तो आप उसको ट्राई करके देखिए कि क्या स्पीड आपको मिलती है। और ऐसे और वीडियो के लिए मुझे फॉलो करना ना भूलिए।